दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम्मान भवन में उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग कृतकार आचार्य प्रोफेसर चितरंजन मिश्र को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं संस्कृत विभाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर अतिथियों के लिए स्वागत गान गाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह ने किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रति कुलपति कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे। प्रोफेसर हरिशरण मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजवंश राव ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय लखनऊ के आचार्य व उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के महामंत्री प्रोफेसर पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा, उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के मंत्री प्रोफेसर पुष्पेंद्र मिश्र जी, कर्मचारी संघ से मेरा अनुरोध है, सर आप भी आ जाइए, सर आप भी आ जाइए, थोड़ा नीचे सर, नीचे सर, नीचे चेहरा दिखे सर, थोड़ा नीचे सर। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ। ये प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और बहुत ही दीर्घकालीन अवधि से उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत महासंघ के द्वारा उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, उनके बारे में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाए उनकी तारीफ में वो बौने साबित होंगे। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मशील, कर्मयोगी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के चिंतक, समाज के सुधारक,
एवं शिक्षक राजनीति के पुरोधा एवं पितामह हैं आज के युग में, जो बहुत ही बिरले लोग ऐसी प्रतिभा के धनी होते हैं। उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को समझा और शिक्षकों के हित के कार्य के लिए चाहे जो सरकार रही हो उससे टकरा गए और शिक्षकों के हित में सदैव कार्य करते रहे।